में हो रही विपक्षी एकता के नाम पर यह बैठक अगर देखने की कोशिश की जाए तो लगती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके श्रवण नेता और पिछड़े नेताओं के बीच में हो रही है, क्योंकि इस बैठक के अंदर दलित समुदाय का एक प्रतिनिधि तक नहीं बुलाया गया है। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी इसमें आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, वहां पर भी राहुल गांधी के आने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो विपक्ष के नाम पर यह बैठक जो आयोजित हो रही है पटना में, उसमें आपको बता दें कि दलित नाम का कोई चेहरा नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी पर तो विपक्ष और पक्ष दोनों ही आपको बता दें उन्हें साथ लेना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद तक को भी उसमें नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी तो उसी राज्य बिहार के अंदर पनपी हुई है, वहां पर भी किसी नेताओं को न्योता तक नहीं दिया गया है। जब विपक्षी एकता की बात है तो फिर दलित नेताओं को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि अगर बात बीजेपी के संपर्क की करें तो नीतीश कुमार खुद भी अब पिछले 2 महीने पहले तक खुद वो बीजेपी के साथ खड़े थे, और नीतीश कुमार का तो अभी भी कोई पता नहीं है कि वो कब बीजेपी की तरफ चले जाए। यानी कि वो नेता इस गठबंधन को लीड कर रहा है, वो नेता इस गठबंधन को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक खुद बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा सत्ता का सुख उसने भोगा है। यानी कि सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ सत्ता के अंदर जो राजनीतिक दल रहे हैं वो आपको बता दें कि इस विपक्षी एकता को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियों को लीड कर रहे हैं। तो यानी कि क्या यह माना नहीं जा सकता कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? अगर बहुजन समाज पार्टी या दलितों की जो राजनीतिक दल है वो घर पे बैठे बैठे ही अगर बीजेपी की बी टीम बन सकती है, तो बीजेपी के साथ 7 साल सत्ता की मलाई लगातार खाने वाले नेता को बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं माना जा सकता? अगर बीएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो फिर ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक दलों ने भी तो बीजेपी के साथ समझौता किया था, चुनावी समझौता तो उन्होंने भी किया था। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि यहां पर बहुजन समाज के नाम पर ये जो गठबंधन बन रहा है इसके अंदर दलित पिछड़े और खास तौर से जो नेता है उनकी इस गठबंधन में कहीं भी जगहदारी नहीं है, दलितों की खास तौर से दलित नेता इस गठबंधन की बैठक में कहीं भी एक भी नजर नहीं आ रहा। क्या आपको बता दें कि बीजेपी के विरोध में या दलितों के विरोध के चलते केंद्र सरकार के विरोध के चलते केवल ये अपनी मूल जो जिम्मेदारी है, अपनी भागीदारी है, उसको लेना भी छोड़ देना चाहिए? कुल मिलाकर जो भी नतीजे सामने आए इस पर भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा नाराज है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाए जाने पर भीम आर्मी के कई सारे नेताओं ने तो सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किया और लिखा है कि भीम आर्मी इस वक्त देश भर में सबसे बड़ी आवाज बुलंद कर रही है दलित पिछड़ों की, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को नहीं बुलाए जाने पर बीएसपी के कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है, उनकी तरफ से लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस तरीके की किसी गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं पछने वाली है। इस गठबंधन पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके